विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवार जोर आजमाइश करने लगे हैं। रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा सीट से जेजेपी प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल ने नामांकन के बाद चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तैयार की है। पूर्व में इनेलो और कांग्रेस पार्टी में रहे सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल ने इस बार दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी से अपनी किस्मत आजमाई है। बावल में अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए रामेश्वर दयाल ने बावल के पिछड़ेपन के लिए यहां से विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर बनवारी लाल को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल ने निवर्तमान डॉक्टर विधायक बनवारी लाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल में काम किया तो आज उन्हें टिकट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भाजपा ने उन्हें टिकट इसलिए काट दी है क्योंकि उनके रहते हुए सहकारिता विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ। बावल के बाजार में फ्लाई ओवर बनवाकर काम धंधे चौपट करने का काम किया। इतना ही नहीं, नया मिनी सचिवालय बावल से बाहर बरसाकर बावल को उजाड़ने का काम किया। रामेश्वर दयाल ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे राम सिंहपुरा में बने डंपिंग यार्ड को यहां से उठवाने का काम करेंगे क्योंकि इसका असर आसपास के गांव पर पड़ रहा है। उन्होंने अपने कार्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि उनके समय में बावल का विकास हुआ था। जननायक जनता पार्टी ने शुरू से विकास किए जब से गठबंधन में रही और नीयत खराब हुई बीजेपी की जिससे गठबंधन तोड़ा और दोनों पार्टियों का नुकसान हुआ, ज़्यादा बीजेपी का नुकसान हुआ है। और दुष्यंत ने बावड़ में मतलब हरियाणा में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई भाई भाई दुष्यंत ने विकास नहीं किया, ये गलत। मैंने बताया था अभी, हमें आपको रोड के बारे में बताया था और बहुत से काम उन्होंने किए और लोग उसके काम से संतुष्ट थे। देखो, बावड़ के मुद्दे तो पहले से ही रहे हैं और ये बाहर के जो भी MLA आते हैं ये कभी इन मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया। जब मैं MLA था तब उस टाइम मैंने मुद्दे उठाए थे बावड़ सब डिवीज़न का, मैंने बहस की, संघर्ष किया। बावड़ कॉलेज में साइंस का था और ये मैंने काम करवाया और ये अपने मनेट्टी सब तहसील का भी मुद्दा था, पाली कॉलेज का भी था, बस अड्डा भी था, ये सारे हमने विकास की तरफ ले गए। मेरे से पहले किसी मंत्री ने मांग ही नहीं रखी थी बावड़ में कामों की जरूरत है, ये बंद होने चाहिए। डॉक्टर बनवारी बने यहाँ, ये इन्होंने डंपिंग यार्ड बनवा दिया राम सिंहपुरा, वहाँ लोग कैंसर से दमा से परेशान हो रहे हैं। आसपास के 15-20 गांवों का बुरा हाल है और डॉक्टर होते हुए ये हाल है। और डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कभी कोई भी ना स्पेशलिस्ट है ना यहाँ दवाइयाँ हैं, और जबकि महकमा रह चुके हैं ये इसी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर बनवारी ने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और लोग कहें कि भाई ये फ्लाई ओवर बनवा दिया शहर के बीच में, इस सारा शहर बर्बाद कर दिया इस फ्लाई ओवर। ये अंडरपास से काम चल सकता था, जरूरी नहीं था इसके अंडर। भाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल दब गया, तहसील चला शिफ्ट होगी ये भी दब गई थी, वेटनरी हॉस्पिटल भी दब गया, स्टेशन भी दब गया, अनाज मंडी भी दब गई, कॉलेज भी दब गया, सिविल हॉस्पिटल भी दब गया। ये ऐसा विकास किस काम का जिसमें शहर की छवि खराब होगी, शहर दिखना ही बंद हो गया, क्या क्या फायदा है इसका विकास का। तो एक बात मैं मानता हूँ, भाई हम अपोजिशन के MLA थे, हमारे पास ग्रांट का एक पैसा नहीं था। हम उस लिहाज से कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हम ना गाँव में एक पैसा दे सके और ना शहर में दे सके। ये इसने जो कंस्ट्रक्शन के काम करवाए मंत्री का आँख मीच के इसके पास पैसा आया ताकि उनका सदुपयोग नहीं हुआ। अब ग्रिल लगा दी बीच में, भाई रोड तो भीड़ा है, ये अगर मान लो 10-10 फुट दोनों साइड में और चौड़ा होता जब ग्रिल लगती जब तो होता बढ़िया। अब वहाँ तो गाड़ियाँ निकलती नहीं, एक गाड़ी एक ट्रैक्टर आ गया है तो पीछे कोई गाड़ी आ गई तो जब तक ट्रैक्टर कहीं साइड नहीं देगा जब तक वो बच नहीं सकता, निकल नहीं सकती पीछे वाली गाड़ी। तो इतना सोचना चाहिए था इसको, ये सारे रोड शहर में मतलब पाबंदी से लग गई।
जैसे किसी टाइम में आपको भाड़ा चुंग से गोकल गेट तक डिवाइडर बनाए थे, लास्ट में हटाने पड़े, सिर्फ इसी वजह से रोड भेजा था। और वही बात आज यहाँ है, तो डिवाइडर की जरूरत नहीं थी, सिंगल रोड रहता तो उसमें इधर उधर बच के निकल सके। अगर इसमें जगह और होती 10-10 फुट दोनों साइड में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी डिवाइडर लगाने।